हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अंजू सांगवान है। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th। आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट्स का। आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं सेट्स के, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आता है व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप बोल सकते हो एलिमेंट्स या फिर नंबर्स। ओके, सेट जो होता है वो हम एक कलेक्शन लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट्स की, एलिमेंट्स या नंबर्स की। किसी की भी कोई नंबर उठा लेते हैं, उनकी कलेक्शन कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे जो है वो मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड क्या बनेगा? कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड कब मानी जाएगी? ऐसी कलेक्शन जो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल the collection of all prime numbers less than 15। ठीक है, ऐसी collection prime numbers की, हमने prime number उठाए, उनकी हमने collection बनाई, और कैसे हैं वो 15 से less होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल निकालो पहला प्राइम नंबर 2। ओके, 3, 5, 7, देन 11, 13। 15 से छोटा लेना है, 14 नहीं होता। ओके, तो हमारे पास ये प्राइम नंबर आ जाते हैं, ये हमारे पास एक कलेक्शन बन जाती है प्राइम नंबर्स की। अब हमने कहा कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कैसे है? ये जो कलेक्शन निकलेगी हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कोई भी इस कलेक्शन को निकाले यही आंसर आएगा। ओके, तो इसलिए ये कलेक्शन आपके पास कैसे हो जाती है? वेल डिफाइंड। आई समझ में? ऐसी कलेक्शन जिसके लिए सबका आंसर सेम आता हो उस कलेक्शन को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड। और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगी वो आपके पास क्या बन जाएगी? सेट बन जाएगी। ऑलराइट, और एग्जांपल देखो, the collection of vowels in English alphabet हमने कलेक्शन उठाई वोवल्स की जो इंग्लिश अल्फाबेट के हैं। अब वोवल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये आपके पास वोवल जो हैं वो हर किसी के अकॉर्डिंग यही होते हैं, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स फिक्स हैं। ओके, तो ये कलेक्शन कैसी हो जाएगी? वेल डिफाइंड हो जाएगी। दिस इज़ वेल डिफाइंड। और अगर जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है वो क्या बन जाती है? सेट बन जाती है। ओके, एक एग्जाम्पल और देखो, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन योर सिटी। आपके शहर में जो रिच पर्सन है उसकी कलेक्शन क्या ये वेल डिफाइंड है? अब रिच पर्सन का कोई क्राइटेरिया, रिच अमीरी नापने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, कि हम अमीर आदमी किसको बोलेंगे, कितना धन होना चाहिए कि हम उसको अमीर आदमी कैटेगरी में ला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन क्या है? इज नॉट वेल डिफाइंड। इसलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ओके, आपकी क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की कलेक्शन बताओ।
क्या ये सेट बनेगा? वेल डिफाइंड है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन से होते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स 90% वाले माने जाएंगे, 80% वाले माने जाएंगे, या फिर 99% वाले माने जाएंगे। देन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में मिलेंगे? किसी के अकॉर्डिंग 90% वाला भी इंटेलिजेंट होता है, ओके 99% वाला भी इंटेलिजेंट होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे स्टूडेंट की इंटेलिजेंसी मेजर की जाए, ओके इसलिए ये कलेक्शन आपके पास कैसी है? इज नॉट वेल डिफाइंड, ओके देन अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं है, तो ये सेट नहीं बनेगा, ओके तो ये होता है सेट। क्या बना सेट? कोई भी कलेक्शन उठाओगे ऑब्जेक्ट्स की, एलिमेंट्स की या नंबर्स की, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, ओके अच्छे से इसको परिभाषित किया जाना चाहिए, और तो वो आपके पास क्या बन जाएगी? सेट बन जाएगी, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। किसी भी सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, किसी भी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म, इसका सेकेंड नेम क्या होता है? रोस्टर। ठीक है, सेकेंड इसका रिप्रेजेंटेशन का मेथड है रूल मेथड, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड, ओके किसी भी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपके पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को कैसे शो करते हैं? अभी हमने एक सेट बनाया था, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। टेबुलर फॉर्म में हम कोई भी सेट बनाएंगे उसको हम करली ब्रैकेट्स में अनक्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, हम ले लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल्स ए ई आई ओ यू। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट जो आपके पास है वो कोमा से जो है सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट सेट का कोमा से सेपरेट किया जाएगा और करली ब्रैकेट में अगर हम बंद कर देते हैं तो ये फॉर्म बन जाती है टेबुलर फॉर्म, या फिर इसको बोल सकते हो रोस्टर फॉर्म। ठीक है, याद करने का तरीका क्या होता है? टेबुलर मतलब हम टेबल की तरह से इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बनाएं, एक सेट उठा लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इसको लिखो टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारे पास कौन सी होगी? टेबुलर फॉर्म। ऑलराइट, सेकंड फॉर्म क्या कहती है? रूल मेथड। रूल मेथड में क्या होता है कि इस इन्हीं सेट्स को एक रूल बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारे पास ये सेट गिवन है टेबुलर फॉर्म में, इसी का हम रूल मेथड बनाते हैं। एक्स नंबर सबको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। अब हम बताएंगे एक्स हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने एलिमेंट लिखने हैं, यहाँ पे हमने एक ऐसा मेथड बना देना है जो सेम टू सेम सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, एक्स नेचुरल नंबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं, हमारे पास कहाँ तक है? 9 तक। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे? एक्स लेस देन इक्वल टू 9 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज़ करना है बट इन्हीं एलिमेंट्स को एक रूल के अकॉर्डिंग रूल बना के उसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, इसको बोलते हैं रूल मेथड। इसका बनाओ रूल मेथड ए ई आई ओ यू, दिस इज द
वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एक्स सच दैट एक्स क्या है यहाँ पे वोवल्स एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल तो हमें इस सेट को रूल मेथड में रिप्रेजेंट कर दिया है ठीक है तो इस तरह से हम या तो रूल मेथड बोलो सेट बिल्डर मेथड बोलो तो इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं जिसमें हम एक रूल बना देते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट बात आती है नोटेशन ऑफ ए सेट नोटेशन ऑफ ए सेट सेट को नोट कैसे करते हैं डिनोट कैसे करते हैं यहाँ पे हम कोई भी सेट बनाते हैं उसका नेम देते हैं ए सेट है बी सेट है सी सेट है डी सेट है तो जो कैपिटल लेटर होते हैं ए बी सी डी कोई भी ले सकते हो कैपिटल लेटर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं पूरे सेट को मतलब कि हम इसको नाम दे देते हैं जैसे कि हमने मान लिया ये सेट उठा लिया तो हमने इसको ले दिया ए इज इक्वल टू दिस सेट बी इक्वल टू दिस सेट तो ए और बी क्या हो गए हम इस सेट को डिनोट करते हैं ए से बी से हमने इनको नेम दे दिया ओके जो स्मॉल लेटर है फॉर एग्जाम्पल मैंने उठा लिया ए सेट है मेरे पास ए बी सी डी ठीक है सेट को डिनोट किससे किया कैपिटल लेटर से ओके देन ए बी सी डी दीज आर द स्मॉल नंबर्स तो जो स्मॉल नंबर होते हैं स्मॉल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं हम इसके एलिमेंट्स लेके चलते हैं स्मॉल डिजिट्स को ए बी सी डी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के जो है वो एलिमेंट हो जाएंगे ए बी सी ठीक है तो इस तरह से हम सेट को डिनोट किससे करेंगे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे ए सेट है बी सेट है सी सेट है डी सेट है ऑलराइट अब देखिए एक सिंबल होता है एप्सिलॉन इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू ठीक है अगर इसी को हम कट कर देते हैं इसका क्या मतलब होता है Does not belongs to. Does not belong to. ठीक है जैसे कि हमने ये सेट लिया ए सेट हमारे पास ए बी सी डी है ए एलिमेंट ए के अंदर है तो हम क्या लिखेंगे ए बिलोंग कर रहा है ए में ओके देन बी भी इसके अंदर है सी भी बी बिलोंग्स टू ए सेट सी बिलोंग्स टू ए सेट डी बिलोंग्स टू ए सेट क्या ई इसके अंदर है ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए तो डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा हम इस पर कट कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये सिंबल्स यूज होता है ये आपके चैप्टर में यूज होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर्स की बात करते हैं नंबर्स क्या होते हैं नंबर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है रियल नंबर में क्या क्या आ जाता है एन इसको हम एन को जो है वो लेके चलेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं ऐसे नंबर जो वन से शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू 100 ठीक है इसके बाद आता है डब्ल्यू दिस इज द होल नंबर होल नंबर क्या होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 100 ठीक है देन जेड इज द इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें हम माइनस के भी ले लेते हैं -4, -3, -2, -1 देन 0, 1, 2, 3 अप टू 100 ठीक है इसके बाद आता है क्यू दिस इज द रैशनल नंबर रैशनल नंबर क्या होते हैं जैसे कि हमने ले लिया 1/2 ठीक है 3/2 ये आपके पास क्या होते हैं जो बनते हैं वो पी बाय क्यू की फॉर्म में बनते हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में जिसको हम बटे की फॉर्म में कहते हैं और यहाँ पे जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप 1/0 ले लोगे ठीक है अगर आप जेड प्लस लिख देते हो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव यहाँ तक होते हैं आगे के हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे ठीक है ऐसे ही क्यू प्लस इसका मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ओके
ये तो समझ जाओगे। तो रियल नंबर की हम बात करते हैं, रियल को हम किससे शो करते हैं, R से, R इज द रियल नंबर्स, ठीक है। तो R हमारा रियल नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको आप डिनोट करोगे C से। अभी हमने पढ़ा था ना नोटेशन ऑफ ए सेट, तो सेट को जो है वो कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज C से। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किस टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स प्लस आयटा वाई, जिसके अंदर आयटा का यूज़ होता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ओके, आयटा क्या होता है, आयटा इज इक्वल टू माइनस वन का अंडर द रूट। माइनस वन का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो वो आयटा होता है, ठीक है। तो जिसमें आयटा आ जाएगा उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, देन दीज आर द रियल नंबर्स। तो इनका यूज़ आपके चैप्टर में होगा, इसलिए आपको ये अच्छे से ध्यान कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ ए सेट। ये सारा बेसिक चल रहा है आपका सेट का, टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट की टाइप कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज द फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट देन इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेके चलो, हम ए सेट उठा लेते हैं 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये हमारे पास 1 से शुरू 4 पे ख़त्म, तो ये आपके पास फाइनाइट सेट है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो फाइनाइट होंगे। सेकेंड आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इनफाइनाइट जैसे अभी हमने लिया था एन, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या होता है 1, 2, 3, 4 up to 7। इनफाइनाइट क्या होता है, जिसके अंदर एलिमेंट्स जो वो इनफाइनाइट हो, यानी असीमित हो। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, डैश डैश लगा के छोड़ देते हैं और ये एलिमेंट हमारे चलते रहेंगे, तो इसका कोई लास्ट में कोई बाउंडेशन, जैसे हमारे यहाँ पे 4 पे ख़त्म हो गया था, तो ये सेट जो है वो चलता रहता है। ओके, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, ए सेट has only one element, केवल एक ही एलिमेंट होगा वो आपके पास सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो कोई इसका, बी मैंने कोई सेट लिया एक्स सच दैट एक्स जो है वो लाइक कर रहा है 5 से ग्रेटर 7 से छोटा, और एक्स है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा हो 7 से छोटा हो, और क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो इसके बीच में क्या आएगा, सिर्फ 6 ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है और जो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इस सेट के अंदर केवल एक ही नंबर होगा विच इज 6, देन दिस इज द सिंगलटन सेट। ओके, फोर्थ आता है वॉइड सेट, या फिर इसको बोलो एम्प्टी या फिर नल सेट, ठीक है। वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट, मतलब कि खाली सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, या फिर करली ब्रैकेट लगा के इसको खाली छोड़ देते हैं, इसमें कोई डिजिट नहीं लिखेंगे। ओके, क्या होता है, ए सेट हैज नो एलिमेंट, जो सेट एक भी एलिमेंट नहीं रखता वो आपके पास क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो इसका, सी इज इक्वल टू कोई सेट सी उठाया हमने एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन
इक्वल टू ज़ीरो एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x हमारा रियल होना चाहिए. ओके तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर लेके जाएंगे माइनस वन, ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे दोनों साइड, स्क्वायर ख़त्म करते हैं. कैसे करते हैं, बोथ साइड अंडर रूट ले लेते हैं. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन, और ये क्या होता है, प्लस माइनस आयोटा. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था नंबर्स में जो जिसमें आयोटा यूज हो जाता है वो कैसा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, ऐसा सेट जो इसको सॉल्व करें और हमारा आंसर आए रियल, बट इसमें तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइव, या फिर इसको आप लिख सकते हो एस. ठीक है, तो ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं हो एम्प्टी सेट होता है. ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, d इज इक्वल टू x सच दैट x हमारा 6 से बड़ा 7 से छोटा और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में. ऐसा सेट जो नेचुरल, x हमारा नेचुरल होना चाहिए, 6 से बड़ा ले रहे हैं 7 से छोटा ले रहे हैं, 6 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इसलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 5 सेट. ओके तो ये आपके पास चार टाइप्स हैं. नेक्स्ट देखो सेट की टाइप, नेक्स्ट आता है आपके पास इक्वल सेट. इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल और इक्विवेलेंस बहुत सिमिलर होते हैं. ये फिफ्थ टाइप आपके पास है इक्वल सेट. टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए. ए के सारे ए और बी इक्वल बनेंगे कब, जब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ए सेट मैंने उठाया 1 2 3 4, बी सेट उठाया मैंने 3 4 2 1. क्या ये दोनों सेट इक्वल है, हमने कहा कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे एलिमेंट ए के बी में है और बी के ए में है, इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी इज इक्वल टू ए बी सी डी. ए सी सेट लिया हमने, डी सेट लेते हैं ए बी बी सी 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 डी डी ई. क्या ये दोनों सेट सी एंड डी इक्वल है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए के सारे एलिमेंट डी, सॉरी सी के सारे एलिमेंट डी में है और डी के सारे एलिमेंट सी में है. अब आप कहोगे कि यहाँ पे दो बार यूज़ हो रहा है, ये तीन बार यूज़ हो रहा है, ये दो बार यूज़ हो रहा है, तो किसी भी सेट में अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा बार यूज़ होता है तो उसको हम एक बार ही काउंट करते हैं सी डी एंड, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू. ठीक है, नेक्स्ट टाइप आती है मल्टीपल सेट. मल्टीपल सेट, मल्टीपल सेट क्या होता है, दिस इज द डी सेट, डी इज अ मल्टीपल सेट. इसमें क्या होता है, डी सेट आपने क्या लिया यहाँ पे, ए बी बी सी सी डी डी ई, ये आपका मल्टीपल सेट है. मल्टीपल सेट क्या होता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एक से ज़्यादा बार यूज हो. एलिमेंट यहाँ पे दो बार यूज हुआ, एक एलिमेंट दो बार, एक एलिमेंट तीन बार, एक एलिमेंट दो बार, तो जिसमें कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार यूज होगा उसको बोलते हैं मल्टीपल सेट. ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स की, ए की मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए हमारे पास एक ही बार यूज हुआ है तो इसकी आ जाएगी 1. मल्टीप्लिसिटी ऑफ बी,
बी कितनी बार यूज हुआ है? एक दो, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी टू। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सी, सी हमारे पास एक दो तीन, तीन बार यूज हुआ है। थ्री, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डी एलिमेंट, डी टू बार यूज हुआ है, टू। एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इज वन। ठीक है, तो मल्टीपल सेट क्या बना? जिसमें एलिमेंट एक से ज़्यादा बार यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखिए, इक्विवेलेंट। पहले इससे पहले हम कर लेते हैं कार्डिनल, कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? एक सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सा कार्डिनल नंबर होता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, ए सेट मैंने लिया एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या बना? हमने कहा कि कार्डिनल नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर कितने हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए। एन ऑफ ए मतलब कि हम काउंट कर रहे हैं कि ए सेट के अंदर कितने नंबर हैं। एक दो तीन चार पाँच, इसके अंदर पाँच नंबर है, तो इसका कार्डिनल नंबर आ जाएगा पाँच। ठीक है, बी सेट उठाओ कोई। बी सेट हमने लिया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एन ऑफ बी निकालेंगे तो क्या आएगा? एक दो तीन चार पाँच छः, छः एलिमेंट आ गए, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया छः। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, इम्पोर्टेंट है आपका ये इक्विवेलेंट सेट। लास्ट आता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने ही बी के अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं ए सेट, हमने ले लिया ए बी सी डी। ठीक है, बी सेट हमने ले लिया वन टू थ्री फोर। ओके, इसमें कितने नंबर हैं? चार, एक दो तीन चार। इसमें कितने नंबर हैं? एक दो तीन चार। इक्वल में क्या था? वही नंबर सेम होने चाहिए। ओके, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के बराबर होने चाहिए, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इज इक्विवेलेंट बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, देन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट। एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। ठीक है, तो ये थी आपके पास टाइप्स ऑफ सेट्स। ये जो आपके पास पूरी इंट्रोडक्शन हो गई सेट की, इसके बाद हम एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। ओके।